दृष्टि ज्ञान विज्ञानी नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी नई राह क्रम मार्गी नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय नमस्कार आदाब सत श्री अकाल वनक्कम जय श्री कृष्ण जय स्वामी नारायण जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सुख और दुख के बारे में। आधुनिक विज्ञान कहता है कि सुख एक सकारात्मक भावनाओं की अनुभूति ही है और उसका अनुभव तब होता है जब हम संतुष्ट और आनंद में रहते हैं। तो दोस्तों सुख कैसे मिले इस एक ही सब्जेक्ट पे काफी रिसर्च हुई है। दुनिया में हर एक जीव अपने अस्तित्व की शुरुआत से सुख की खोज में है। सब लोग जीवन भर जो क्रिया करते हैं वह यही मानकर करते हैं कि उससे उन्हें सुख मिलेगा, लेकिन वो तो सिर्फ अल्प मात्र ही होता है और वो भी टेम्पररी है। तो सच्चा सुख क्या है, हमें कहां से मिलेगा, चलिए जानते हैं हमारे प्यारे आत्मज्ञानी से। शरीर की व्याधि को कैसे कंट्रोल करना चाहिए? व्याधि को कंट्रोल तीन शब्द है, आधि व्याधि उपाधि। तो मानसिक दुख को आधि बोला जाता है, शारीरिक दुख को व्याधि बोला जाता है, और बाहर किसी ने धक्का मार के गिरा दिया तो उपाधि आ गई बोला जाता है, आधी व्याधि उपाधि। अभी व्याधि जो शरीर में आ गई तो ये इफेक्ट है, कुछ कॉजेस पहले डाल दिए थे उसकी इफेक्ट आ गए, आज तो भुगतना ही पड़ेगा। तो अभी क्या करना चाहिए, समझ लो पांव दुखता है सर दुखता है, तो आप दो प्रकार हो जाते हैं। दुखने का तो शरीर को इफेक्ट है, पर भीतर में अर्थ ध्यान करता है आदमी, क्या हो जाएगा ऐसा ही जीवन जाएगा तो जिंदगी में क्या तकलीफ आए कैसे हो जाएंगे, अभी से पांव दिखता है तो आगे क्या हो जाएगा, अभी तो मैं जवान हूँ 55 ईयर्स का जवान हूँ और बाद में बूढ़े भी मेरी क्या हालत हो जाएगी, ऐसे सोचता है आदमी, वरीज करता है। तो वरीज उसको अर्थ ध्यान बोला जाता है, वो अर्थ ध्यान करने से पांव मिट जाता है, तो ये अर्थ ध्यान नहीं करना चाहिए, उसके उपाय करो, चिंता करनी नहीं चाहिए, उसके उपाय करो जो पॉसिबल है। शरीर को आ गया है तो अभी आ गया, उसके कुछ मालिश करो ये करो वो करो, ये बाहर का उपाय है। और अंदर का उपाय ज्ञान की दृष्टि जो मिल गई, तो ज्ञान क्या बताता है, किसको होता है उसको देखो, आप अलग हो और आप खुद ही आत्मा हो, ये संगमनाथ, ये संगमनाथ अलग है और आप खुद आत्मा हो, ये संगमनाथ का शरीर है, आप मानते हो मुझे हो गया, मगर ये शरीर को होता है, उसको अलग रखो, ये शरीर की वेदना है, मैं उसको जानने वाला देखने वाला हूं। जैसे होली में लकड़े जलते हैं तो देखने वाला भी जलता है, देखने वाला जल सकता है नहीं। हाँ लकड़े जलते हैं, देखने वाला तो सेफ है, ऐसे आप आत्मा हो और देखने वाले हो आप सेफ हो, तो ये शरीर की इफेक्ट भुगतता कौन है, अहंकार। तो अहंकार के पास रॉन्ग बिलीफ है कि मुझे हो रहा है, तो अहंकार को समझाओ तुझे नहीं, तू तो अलग है, तू तो सूक्ष्म है, ये शरीर स्थूल है उसको हो रहा है, तू मेरे साथ एक हो जा। अहंकार को जितना अलग रखोगे उतनी शरीर की इफेक्ट कम भुगतनी पड़ेगी। यानी तीन प्रकार होता है, अहंकार इन्वॉल्व हो गया तो सफरिंग 10 के गुना 10 100 गुना हो जाएगा। अहंकार अलग रखोगे ये तो शरीर को होता है, मैं तो अलग हूं मैं तो अलग हूं, तो 10 का 10 ही रहेगा। और ज्ञान में रहो को ये तो संगमनाथ के शरीर को है, मैं तो शुद्धात्मा हूं, तो 0% सफरिंग हो सकता है ज्ञान की दृष्टि से, ठीक वो हमारा अनुभव है। जितने ज्ञान में आगे बढ़ते हैं तो कोई भी शरीर की वेदना खुद को टच नहीं होती है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नहीं रहा और आज बातें हो रही है सुख और दुख की। तो दोस्तों हमारे रोजिंदे व्यवहार में हम जाने अनजाने में एक दूसरे को दुख दे ही देते हैं, तो इसकी वजह क्या है, क्या वह हमारा अहंकार है या फिर हमारे कषाय, चलिए जानते हैं हमारे आत्मज्ञानी से हमारे अगले सेगमेंट में। हमारे
न चाहते हुए भी सामने वालों को जैसे कुछ दुख पहुंचा, हमारे को ऐसा लगता है कि सामने वालों को दुख पहुंचा दिया गया है, तो हमारे न चाहने के बाद भी ऐसा घटित होता है, तो उसको कैसे क्या ये क्या होता है कि आपकी इच्छा नहीं है फिर भी उसको दुख हो गया, तो आपके सुहास के निमित्त से उसको दुख हुआ ऐसे बोला जाता है। यानी दो प्रकार के गुने होते हैं, एक मैंने आपको दुख दिया क्रोध करके तो भी एक गुना होता है, तो मैं मेरा दोष दिखता है मुझे, मैं माफी मांग सकता हूँ, मैं कुछ दुख देने की इच्छा भी नहीं है। मेरे पिताजी को मैं सत्संग में जाता था उनको दुख लगता था, तो घर में बैठता नहीं तो बस भटकता है सारा दिन घूमता है, अभी मैं तो सत्संग में जाता था अच्छी जगह जाता था, फिर भी उनकी मान्यता ठीक है ये जाता है गलत करता है, तो उनकी मान्यता से ही उनको दुख होता था। तो वे मैंने क्या करना चाहिए, तो मैंने प्रतिक्रमण चालू किया दादाजी से पूछ के कि मेरे निमित्त से उनको दुख होता है, उनकी मान्यता भले करेक्ट है क्योंकि उनकी मान्यता तोड़ने का अधिकार मुझे नहीं है, पर मुझे मेरा ध्येय भी था, मुझे छूटना था इस संसार से, तो मुझे अच्छा लगता था तो मैं जाता था, पर मेरी वजह से उनको दुख होता है उसके लिए मैं बार बार दिन में 50 बार 100 बार माफी मांगता था, पर मैंने व्यवहार छोड़ा भी नहीं, पर मैं प्रतिक्रमण किया तो धीरे धीरे 2-4 साल के बाद धीरे धीरे उनको शांति लगी, वो भी सत्संग में आने लगे और बाद में वो भी खुश हो गए कि नहीं ये सच्चा ही सत्संग है, मुझे भी इसमें हमें इसके लिए आना है। यानी आप अपने तरफ से निष्पक्षपाती जांच करो कि मेरी कौन सी गलती के वजह से उनको दुख होता है, आपको जो भी गलती दिखती है अपनी गलतियों की माफी मांगो, और लास्ट में कुछ भी नहीं दिखता है हमारी तरफ से तो हमारा निमित्त से उनको दुख होता है उसके भी प्रतिक्रमण आप बार बार करते रहो, तो धीरे धीरे वो निमित्त को दुख होना बंद हो जाएगा आपके दोष खत्म हो जाने के बाद में। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, और आज हम बात कर रहे हैं जीवन में आने वाले सुख दुख की। लाइफ इज फुल ऑफ मिजरी, हाउ टू ओवरकम दैट मिजरी। देखो ये वर्ल्ड में संसार में कोई भी दुख है उसके पीछे रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है, उतना समझ लेना। आपकी रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग छूट गई तो आपको ये संसार दुख नहीं दे सकता, कोई भी व्यक्ति कोई भी संजोग आपको दुख नहीं दे सकता है, क्योंकि आत्मा खुद ही अनंत सुख का कंद है, इसको कैसे दुख लग सकता है। बर्फ को मैंने अग्नि लगाया और बर्फ जल गया, कोई बोलेगा मानेगा कोई आदमी, तो जल ही नहीं सकता, उसको गर्मी भी नहीं लगेगी, उसकी हाजिरी से ही सबको ठंडक लगती है, तो आत्मा कैसे दुख टच करेगा उसको। मगर आत्मा की अज्ञानता से अहंकार खड़ा हुआ है और अहंकार को संसार में तमाम प्रकार के दुख भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि अहंकार वही रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग का पुतला है। अहंकार जब खत्म होता है तो रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई तो ही अहंकार खत्म होगा, और रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई तो ये संसार में आपको कोई भी प्रकार का दुख नहीं रहेगा, उसकी गारंटी। हमको कोई भी परिस्थिति कोई भी टाइम कोई भी संजोग में दुखदायी नहीं हो पाती, मेरा यह अनुभव है। मैंने दादाजी के पास 71 में ज्ञान लिया था और एक एक दिन मेरा ऐसा गया, मेरा दुखों से मुक्ति का अनुभव बढ़ते गया है। आज 35 साल हो गए, निरंतर समाधि मुझे रहती है, आपको भी ये रह सकती है। हाँ, शारीरिक दुख आता है, मगर मन का दुख व्यवहार का दुख तो आधी जिसको बोलते हैं मानसिक दुख को, वो टच नहीं होगी राइट अंडरस्टैंडिंग से। शरीर को दुख रहेगा, मोहन के शरीर को दुख रहेगा, मगर आपको टच नहीं होगा, उतना जागृति ये ज्ञान से पहुंच सकता है आदमी। और बाहर की उपाधि, जो बाहर से घर में मृत्यु आ गई, एक्सीडेंट हो गया, घर गिर गया, वो बाहर की उपाधि तो 100% टच नहीं हो सकेगी, ये ज्ञान को आप फॉलो करोगे तो। दादाजी बताते थे 70% भी फॉलो किया ना तो आप निरंतर आदि व्याधि उपाधि में भी दिन रात समाधि रहेगी, गारंटी उसकी। आदि व्याधि उपाधि होने पर भी, हाँ वो चले जाने के बाद नहीं, वो उनकी हाजिरी में भी आपको समाधि रहेगी। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, और आज हम बात कर रहे हैं सुख और दुख की। तो दोस्तों, हर जीव मात्र सुख की इच्छा करता है, तो वास्तविक सुख क्या है, वह सुख पाने के लिए क्या करना होगा, चलिए जानते हैं हमारे आत्मज्ञानी से हमारे अगले सेगमेंट में। मुझे शुद्धात्मा के सिवा इस संसार की कोई भी विनाशी चीज नहीं चाहिए, ऐसा भाव करने से अगर फिर जन्म हुआ तो इसमें सुख सुविधा का अभाव नहीं होगा। नहीं नहीं, और ज्यादा शुद्धात्मा अनुभव जो प्राप्त करने की इच्छा रखता है उसका संसार बहुत बड़ा बहुत अच्छा मिलेगा उसको। बाय प्रोडक्शन में जैसे स्टेनलेस स्टील का हम
स्पेयर पार्ट बनाए, कुछ पार्ट बनाया तो उसका बाई प्रोडक्शन स्टेनलेस स्टील का भुक्का निकलेगा, और कास्ट आयरन का बनाया तो कास्ट आयरन का भुक्का, तो स्टेनलेस स्टील वाला बहुत कीमती रहेगा। वो सेल करोगे तो 100 रुपये उसके आएंगे, इसके 10 रुपये आएंगे। तो ये मोक्ष की जो भावना करता है उसका बाई प्रोडक्शन बहुत अच्छा रहता है। लेकिन जीने के लिए धन संपदा चाहिए, वो सब मिलेगा, मिलेगा आराम से मिलेगा, सबसे ज्यादा अच्छा मिलेगा। जी जी, अभी हमारे देखो, मैं तो कुछ मेहनत नहीं किया, दादाजी की कृपा से ज्ञान मिला, पर हमारा संसार देखो तो बाय प्रोडक्शन में कितनी सुविधा, इतनी सुविधा, इतनी सुविधा है, सही लगता है कि मैं तो कुछ किया ही नहीं, अपने आप आता है। तो मैं मोक्ष मार्ग में जितना भी आगे जा रहा हूँ पुरुषार्थ करके, तो मेरा बाय प्रोडक्शन में तो अपने आप अच्छा मिलता है। आपको तो एक घर का खाना मिलता होगा, चार घर के खाने आते हैं, दो कार वाले तैयार है, एसी, ये इतनी सुविधा सब सामने आके रखते हैं। अरे नहीं आपके लिए, अरे मुझे कोई जरूरत नहीं, तो कि नहीं आपके लिए। अभी इसमें फर्क क्या है कि ये दीपक को जो भी मिलना है वो संभाव से निकाल करना है, मुझे शुद्धात्मा अनुभव सिवाय मेरी भावना में ये है, यानी रिलेटिव में जो भी व्यवस्थित में हो भले हो, प्रारब्ध अनुसार जो भी मिले हरकत नहीं, पर मुझे आत्मा का अनुभव से कुछ नहीं चाहता, यानी दो भाग जुदा कर दिया। जी जी। तो ये दूसरे भाग वाला जो पार्ट है शुद्धात्मा का, उसमें हमें कुछ नहीं चाहिए, और रिलेटिव में दखल भी नहीं करनी है, नहीं चाहिए, तिरस्कार भी नहीं करते हैं और इच्छा भी नहीं करते हैं, और जो भी हिसाब से पूरा होने दो। पर मोक्ष मार्ग वाले को बाय प्रोडक्शन में बहुत अच्छा रहता है, और संसार सचमुच तो जितना भी हम धर्म करते हैं उसका बाय प्रोडक्शन संसार है, और धर्म याने कुछ दूसरे को सुख दिया तो बाय प्रोडक्शन में संसार हमारा सुखी हो जाएगा, और दूसरे को दुख देते हो, अधर्म करते हो तो उसका बाय प्रोडक्शन बहुत दुख आएगा आपको। और मोक्ष मार्ग वाला तो खुद का भी सुख में रहता है, किसी को दुख तो देता ही नहीं, कोई दुख देगा तो भी जमा कर लेगा वापस, दुख रिएक्शन में देगा ही नहीं, तो उसका बाय प्रोडक्शन तो बहुत अच्छा आएगा। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं आपको, समझ में आया? जी जी। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, और आज बातें हो रही है सुख और दुख की। तो दोस्तों, हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस, या फिर सुख और दुख कह लो, यह सिर्फ क्या हमारी बिलीफ में ही है? और क्या बिलीफ बदलने से हमारे हरेक संजोग में सुख की अनुभूति होगी? चलिए जानते हैं हमारे प्यारे आत्मज्ञानी से। आत्मा कुछ करता नहीं है, और मेरा प्रश्न लिखा है प्रभु जी, अहंकार भी कुछ करता नहीं, देह भी जड़ है, आत्मा भी कुछ करता नहीं, मन भी जड़ है, तो सुख दुख किसको होता है? फिर करता कौन है? देह कर्म का फल भुगत रहा है, वो बात एक्सेप्ट होती है? देह कर्म का फल भुगतने वाला पार्ट है ना, उसको कर्म के फल आते हैं, साता आती है, असाता आती है, तब अहंकार मानता है मुझे होता है, और सुख दुख वो भुगत रहा है, वो मान रहा है, सचमुच भुगतता है नहीं, और भुगतने का खुद मान लेता है कि मुझे ही होता है अज्ञानता से। और अभी वो ज्ञान हमें मिलता है कि नहीं, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, सुशील आकाश देह को होता है, फिर भी मन है, उसको सफरिंग आएगा, अहंकार डिस्चार्ज वो भी भुगत लेगा, उसको जुदा देखो कि ये अहंकार सुशील आकाश भुगत रहा है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है जिंदगी के हर एक सवाल को। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि संसार का सुख यानी दो दुखों के बीच में आने वाला अंतराल ही है, और अक्रम विज्ञान कहता है कि सच्चा सुख वही है जिस सुख के बाद कभी दुख नहीं आता, और न ही कभी वो सुख कम होता है। और दोस्तों, दादाजी कहते हैं कि ज्ञान के बाद हरेक परिस्थिति में संभाव में रहने से अपने दुखों से मुक्त रह सकते हैं। दुखों से मुक्त होने के अनेक उपाय आपको यही मिलेंगे इसी चैनल पर नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org, या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org, या फिर फोन लगाइए 1-877-505-3232 extension 23, या फिर दादा भगवान फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे हैप्पी। जय सच्चिदानंद।